अभी अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, और योगी जी बोले कि बटोगे तो कटोगे, उस चीज का ये विरोध कर। ये वही अखिलेश यादव है जो जोड़ने की बात आज कर रहे हैं, या तो शुरू से तोड़ने का कार्य करते आए। वो किनको जोड़ने की बात कर रहे हैं पता है? वो मुल्ला कायम, नवाजवादी पार्टी, बुरहान मानी जैसे को, अतीक अहमद जैसे को, मुख्तार अंसारी जैसे को, जाकिर नाइकू जैसे को, वो सुअर जैसे को। यूपी में योगी जी ने कुछ टाइम पहले बोला था कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारा कनाडा में भी लगाया गया है मंदिर के पास, और अभी अखिलेश यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। देखिए टेढ़ी नाक वाले नाक तो टूटी पड़ी है मौलाना अखिलेश यादव जी की, तो टेढ़ी नाक वाले जो नेता उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई साहब, न मंजिल न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है, इनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं और इन्हें अब भी यकीन नहीं। तो भाई साहब, अगर मुंडेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो आप देख सकते हैं, मुंडेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता। सपने में मौलाना अखिलेश यादव जी राष्ट्रपति भी बन सकते हैं देश के, पर सपने में बन सकते हैं। फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे? ये चीज तो सबको पता है कि जो एक साथ रहता है वो जीत जाता है। मैं कहता हूँ 80% लोग बटेंगे तो कटेंगे, और 20% वो कह रहे हैं अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब 80 और 20 की लड़ाई है, देख लेंगे किसमें कितना दम। ये भी कह रहे हैं कि जिसका जैसा नजरिया है वो वैसे ही बातें बोलते हैं, और साफ तौर पर उन्होंने ये चीज योगी जी पर। देखिए वो जुड़ोगे जीतोगे कर रहे ना, ये किसी का नारा ला के पेस्ट कॉपी कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी जैसे सुअर, जिसने अपनी पार्टी रखी है ऑल इंडिया मुस्लिम फलाना ढिमकाना और सिरकाना, उसकी पार्टी का नाम ही मुसलमान से शुरू होता है, वो आकर के हिंदुओं के ऊपर ज्ञान देता है। भाई साहब पहले अपनी पार्टी का नाम तो चेंज कर लो, आप भी तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हो, आपकी तो पार्टी का नाम मुसलमान से। योगी जी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, हाँ तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर योगी जी सनातनी है तो किसकी बात करेंगे, मुसलमानों की करेंगे क्या? दिक्कत क्या है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2300 वोटर, 500 मकान दिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस गांव के अंदर, पर वोट कितने मिले? जीरो। तो भाई कहे घंटा का सबका साथ सबका विकास, जिसका साथ उसका विकास। सपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि सपा नहीं मैडम, नवाजवादी पार्टी। ये आप कह रहे, मैं नहीं कह रही हूँ फिलहाल। अच्छा, उनके पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव अपने नारों से एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। सुन मैं बता रहा हूँ, ये अखिलेश यादव ना डरे हुए हैं, पता कि सबको हरा सकते लेकिन बाबा को नहीं हरा सकते। बाबा ना जड़ी बूटी लेके आए हैं, कुर्सी पे पकड़ के चपक के बैठ गए हैं, और लगातार 20 साल 15 साल सभा में दिखने गया हूं। भाई लोकसभा अलग चीज है, विधानसभा अलग चीज है। अगर योगी जी का ना, मैं कह रहा हूँ कोई हराने वाला भी नहीं पैदा हुआ अभी। योगी जी संत हैं, हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए जीते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं, एक ही धर्म के लिए। आप योगी जी को कहते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री को सबके बारे में सोचना चाहिए। मैं आज आपके आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर गोमती रिवर फंड के तहत काम होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 64 लाख मकान बांटे जाते हैं जिसमें से 37% मकान मुसलमानों के बांटे जाते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में मकान बांटे जाते तो मुसलमानों को नहीं मिल रहे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बन रही है, मुसलमान नहीं चल रहे, उड़ के जा रहे हैं पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री राशन योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अगर राशन बांटा जा रहा है तो मुसलमान को तो मिल नहीं रहा होगा। योजना देना हिंदू मुस्लिम को तो इस पे वो लोग नजर नहीं डालते, लेकिन जब ऐसी नारेबाजी कर दी जाती है तो वहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की कहाँ। मेरी बात सुनिए, आज आप कह रहे हिंदू मुस्लिम, कम से कम हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। इनकी सरकार में तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था। आप बताइए ना, मुल्ला मुलायम क्यों नाम पड़ा मुलायम सिंह यादव का? इन्होंने हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई, कार सेवकों पर गोली चलवाई, और बोला देखो मैंने कार सेवकों पर गोली चलवाई है, आज से मेरा नाम मुल्ला मुलायम। इन्होंने तो नारे दिए उत्तर प्रदेश में कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मुलायम सिंह यादव की सरकार में नारा दिया गया था कि क्या मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इनकी सरकार में नारा दिया गया। एक मिनट, पर सरकार चेंज हुई तो नारे भी चेंज हो गए। क्या मुलायम का काशी राम, अब सब बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहे हैं। और सुनिए, देखो एक मिनट, अभी राम जी को उड़ाने की बात करते थे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है, और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाले की औकात नहीं है। जय जय श्री राम। अखिलेश यादव की औकात कुछ भी नहीं, कुछ भी औकात नहीं। मैं अखिलेश यादव की सिर्फ इतनी औकात है कि सीएम हाउस का टोटी अपने नाक में सर्जरी करा चुके हैं, जब मन करता पानी खोल के पीते हैं और सो जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी क्यों कयामत के दिन देख रहे हो? कयामत के दिन नहीं आएंगे,
योगी जी ने कह दिया गजवाए हिंद का सपना अगर पाल के बैठे हो ना कि गजवाए हिंद की कुर्सी पे बैठोगे तो ये नामुमकिन है, ये भगवाए हिंद है। और भगवा अखिलेश यादव कहते हैं कि वो यूपी की जनता के लिए सोचते हैं, आप कह रहे कि गजवाए हिंद लाएंगे। अगर यो अखिलेश यादव यूपी की जनता के लिए सोचते हैं तो मैडम जी आए दिन यूपी में दंगे नहीं हुआ करते अखिलेश की सरकार में। अगर अखिलेश यादव सोचते ना तो जो शिक्षा माफिया घूमते थे यूपी के लोग शिक्षा ही नहीं पाते थे, दसवीं पास बारहवीं पास बीए पास करके यूपी के लोग ना। योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या? अभी अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे और योगी जी बोले कि बटोगे तो कटोगे, उस चीज का ये विरोध कर। ये वही अखिलेश यादव है जो जोड़ने की बात आज कर रहे हैं, ये तो शुरू से तोड़ने का कार्य करते आए हैं। इनकी सरकार आते ही ये यादवों के लिए सिर्फ सोचने का काम करते थे और तो और आज ये विकास की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो नचनिया नचवाने का कार्य करते थे। कौन? टेढ़ी नाक वाला अखिलेश यादव। सबसे बड़ी चीज ये है, आज इन्हें सारी चीज़ें याद आ रही है। ये कहते हैं कि जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भैया सो जाओ अपने घर जाके। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहते हैं सिर्फ हिंदू हिंदू की बात, वो खुल के बात करते हैं। और अगर आज हिंदू हिंदू की बात हो रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? जब आपकी सरकार थी आपने खुल के मुसलमानों के लिए कहा, आपने खुल के मुसलमानों को फ़ायदा दिया। आज की सरकार कम से कम सनातन के लिए कुछ सोच रही है, खुले मन से सनातन के लिए बात करती है। चुनाव से पहले इस तरीके का बयान अखिलेश यादव आखिर क्यों दे रहे? वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे? जनता नहीं बरगलाने वाली, जनता को सब कुछ पता है कि अगर इनकी सरकार दोबारा आ गई समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें गुंडागर्दी, वही भूमाफिया, वही बलात्कारी बिलों में से निकलना शुरू हो जाएंगे। में जो रिजल्ट आया था उसके बाद सपा पार्टी को लगता है कि जो यूपी की जनता है उनको हर बार चुन सकती है? नहीं चुनेगी और बिल्कुल भी नहीं चुनेगी, क्योंकि यूपी की जनता जाग चुकी है। एक बार अयोध्या में जो धोखा मिला था वो दोबारा नहीं मिलेगा। जो रामगोपाल वर्मा की जो रामगोपाल मिश्रा जी के साथ जो हुआ है वो दोबारा नहीं होने देंगे। कहाँ के रहने वाले? हम तो भाई बिहार के महासीता की नगरी से हैं। और ये हेलो, आप जोड़ने की बात कर रहे हो, वो किनको जोड़ने की बात कर रहे हैं पता है? वो मुल्ला नवाजवादी पार्टी, बुरहान मानी जैसे को, अतीक अहमद जैसे को, मुख्तार अंसारी जैसे को, जाकिर नाइकू जैसे को, वो सुअर जैसे को, ठीक है? ये जैसे मुल्ला मुलायम जैसे को लोगों को सुअर जैसे को जोड़ने का काम करती है। अखिलेश यादव के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है आप लोग? दिक्कत ये है ना कि उसका नाम देखो भगवान का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानता है अपने आपको, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के धूल के बराबर भी नहीं है, मैं ना कहूँ उसके वंशज के बराबर भी नहीं है ये, ठीक है ना? मुल्ला मुलायम उसका बाप क्या कहता, मुझे यादव मत कहो मुल्ला मुलायम कहो, बहुत अच्छा लगता है। लड़की लड़कों से गलती हो जाती है, छोटी मोटी छुटपुटी गलती हो जाती है। जब वहाँ पे हिंदू बहन बेटी उस टाइम पे मतलब गलत होता था तो मतलब मुस्लिम बहन बेटियों के लिए बढ़िया बोलता था और हिंदू बहन बेटियों के लिए गलत बोलता था, वो ऐसा क्यों? तो कई स्टेट में होने वाले, लेकिन जितनी ज्यादा चर्चा यूपी की हो रही है उतनी कहीं नहीं हो रही, लगातार बयानबाजी भी यूपी में ही हो। देखो यूपी का मौसम बदल रहा है, मौसम तो खैर पूरे भारत का बदल रहा है, लेकिन राजनीति के बाद बाबा क्या कहते हैं ना, जब हम आएंगे तो गर्मी बढ़ी जाएगी, तो गर्मी बढ़ते रहने दो, गर्मी बरकरार रहेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी सोच वैसी है, उनका नजरिया वैसा है, तभी वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल नजरिया है हमारा और नजरिया हम रखते हैं, इसलिए तो बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। हमारा नजरिया वो वाला तो है नहीं कि आप बलात्कार करके आ जाओ और मैं तुम्हारे मुखिया कह देंगे भैया बच्चे हैं गलती हो जाती है, ये बाबा है। पुरानी बातों को बीच में क्यों ला? पुरानी बातों को कैसे भूल जाएं, वो दिन कैसे भूल जाएं जब राम भक्तों पे इन्हीं मुल्ला मुलायम के लोगों ने गोलियां चलवा दी थी। हम ये सारी चीजें कैसे भूल जाएं कि जब अलीगढ़ के अंदर एक दलित बेटी का बलात्कार हो जाता है तो वहां भी ये राजनीति रोटियां सेकते हैं। जब अखलाक जैसे गौ हत्यारे को जब गौ रक्षक दल के लोग मारते हैं तो ये उनपे भी आंसू बहाने चले जाते हैं। साफ तौर पे एक आखिरी सवाल होगा कि होने वाले उपचुनाव में क्या लग रहा है, कैसा माहौल होने वाला है, किसकी पार्टी की तरफ जनता का समर्थन देखने को मिले? देखो जो भाई भाई को बोलने दो, फिर मैं जो राम को लाए हम उनको लाए हैं। अब जो यही बात तो आप लोग लोकसभा में भी चिल्ला रहे थे 400 पार। अब जो काशी मथुरा को सजाएंगे उन्हीं को लेके आएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया है कि अयोध्या को हमने सजा दिया, अब काशी मथुरा की बारी है, तो अब काशी मथुरा की हम तैयारी पूरे करके हैं। ये भगवान का अपमान नहीं होने देंगे, ये शुरू से परचम इसका लहरता हुआ आया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी अपने कार्यकाल में पूरा परचम लहराया, तो इसी के सम्मान में पूरी सीटें आएंगी और बढ़िया करके आएंगी। और
जो अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाले टोटी चोर जितनी बातें फालतू की कर रहे हैं, वो कुछ दिन बाद उनका बीपी लो हाई होगा और गोलियां खा के अपने बिस्तर सो के अपने घर में होंगे। जली को जली आपके चैनल सच तक पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कि विधानसभा की बारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है, योगी बाबा का वचन निभाना है और पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा लहराना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक मिनट, पंजा गया खड़ंजा पे और साइकिल के मुरचाए और योगी जी का बुलडोजर देख के अखिलेश गेट राय, तो अखिलेश जी अब किम जोंग उनके साथ जाएंगे, वहां बैठेंगे उत्तर कोरिया में, यो अखिलेश जी को सब भाई नमस्ते कर चुके, अब हिंदुत्व की सरकार और हिंदुओं की सरकार है। जली को आग कहते हैं, बुजी को राग कहते हैं, जो सुराख से बारूद बन जाए उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। भगा भगा के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, यूपी के गद्दी पर भी बाप तुम्हारा बैठा योगी है, तो अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम नवाजबादी के चमचो तुम्हारा बुलडोजर के नीचे ही तुम्हारा कचुम्बर हो जाएगा। देखिए होने वाले उपचुनाव में क्या कुछ माहौल होने वाला है, लोगों की क्या राय वो आपने सुना, फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। दिल्ली की जनता से पूछने की कोशिश कर बताने की कोशिश की है, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि यूपी उपचुनाव का रिजल्ट कैसा आता है।